स्वागत है आप सबका मेरी नई वीडियो में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के अप्पे, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है, और इसे बनाना और भी ज़्यादा आसान है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अप्पे बनाने के लिए हमारे को चाहिए 2 कटोरी सूजी। सूजी आप मोटी बारीक जो मर्जी ले सकते हैं, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी दही। हमारा मेजरमेंट रहेगा 2 कटोरी अगर सूजी है तो 1 कटोरी हमारी दही रहेगी। और इस लोटे में ना दही थी, तो मैंने इसमें पानी डाल के इसको भी निकाल लिया अच्छे से, और 1 चम्मच मैंने डाला नमक। इसको बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को हमने इतने अच्छे से फैटना है, जितना अच्छा हमारा ये बैटर फैटा होगा उतने अच्छे हमारे अप्पे फूल के बनेंगे। और इस बैटर को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ढक के, ताकि हमारी सूजी जो है अच्छे से भून अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ देखिए हमारी जो सूजी है ये काफ़ी फूल चुकी है और कितना गाढ़ा पेस्ट हो गया है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ हम पूरा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अप्पो के लिए हमारे को जो बैटर है ना ही ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, ना ही ज़्यादा लिक्विडी होना चाहिए। और इसमें हम चाहे तो आप कोई भी सब्जी आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादा सब्जी ऐड नहीं कर रही हूँ। इसे मैंने करे हैं सिर्फ ग्रीन वाले जो अनियन होते हैं ना, उसके जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो डाला है मैंने सिर्फ, और हरा धनिया, क्योंकि सब्जियाँ मेरे घर पे इस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। लेकिन सच बताऊँ ये सब्जियों वाला, जैसे आप चाहें तो इसमें गाजर, कॉर्न, शिमला मिर्च, टमाटर, जो भी हो आप इसमें सब कुछ ऐड करके बनाएं, बहुत ही यमी और टेस्टी बनता है। तो अब इसमें हमने नमक कम पहले ऐड कर चुके हैं, तो ये बैटर जो है अभी भी थोड़ा सा हमारा गाढ़ा है, लेकिन इसको अंदर हम डालेंगे अब 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालें। और ये जो अप्पो वाले पैन है मार्केट में मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं, बट मेरे पास ये था तो मैंने इसमें बना रही हूँ। और ये छोटे छोटे ना बच्चों के लिए मतलब अच्छे लगते हैं बच्चों को छोटी चीज़ें, तो इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइन डाला है। और जो बैटर है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें हम डालेंगे 1 इनो पाउच। आप ये जो बैटर है पहले भी रात को बना के रख सकते हैं, लेकिन इनो जो है आपने तब डालना है, तब इसमें ऐड करना है जब आपको ये बनाने हो। तो थोड़ा सा 1 चम्मच जितना पानी डाल के इनो को एक्टिवेट कर दूंगी, और इसको थोड़ा सा ही हम फैटेंगे, ज़्यादा नहीं फैटेंगे, इससे हमारा जो बैटर है ये फूल जाएगा, और जो जैसे गाढ़ा गाढ़ा था ना अभी पतला हो जाएगा बिल्कुल। देखिए इसमें बैटर अपने अकॉर्डिंग छोटे बड़े जैसे आपको पसंद है वैसे इसमें डालें। सारे बैटर मैं इसके अंदर मतलब जो बैटर है इसमें डाल देती हूँ, सारे अप्पो का बैटर। और ये देखिए इस तरीके से मैंने डाल दिया, थोड़ा सा ऊपर डालूंगी मैं रिफाइंड। डालने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी ढक्कन से, और आप चाहें तो इसे बिना घी के भी बना सकते हैं, और चाहें तो आप इसे देसी घी में बनाएं, बटर में बनाएं, रिफाइंड में बनाएं, जैसे आपको उसका टेस्ट पसंद हो। और मैं वैसे इसे रिफाइंड में बना रही हूँ। और ये जो है इसको हम एक साइड से हमारे ये पक चुके हैं, अब इसको हम पलट देंगे ताकि ये नीचे से भी पक जाए। जो ऊपर का हिस्सा है इसका पलट सारा चेंज कर दिए, और फिर इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा रिफाइंड, और फिर इसे मैं ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। और ये बच्चों के लिए आप टिफिन में भी दे सकते हैं, कहीं आप जा रहे हैं ट्रैवल में तो भी आप इसे बना के ले जा सकते हैं, मतलब ये मतलब क्या कहते हैं ना नाश्ते के लिए, आप इसे चाहें तो सुबह नाश्ते में करें, चाय आप शाम की चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो दोबारा से इसको मैंने नीचे से पलट दिया था, और 2 मिनट के लिए दोबारा से सेक लिया ताकि कोई कच्चे ना रह जाए। तो देखिए ये अच्छे से हमारे पक चुके हैं, तो इसको मैं निकालूंगी प्लेट के अंदर, और मैं दूसरे वाले बनाऊंगी चीज़ वाले। बच्चों को चीज़ वाले ही बहुत पसंद आते हैं, तो मैं दोनों तरीके के आपको बता रही हूँ आप इस तरीके से बनाएं। हेल्दी चीज़ है एक तो सबसे बढ़िया, जो भी अगर वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हेल्दी ऑप्शन है ये, आप इसे बना सकते हैं नाश्ते में, या आप शाम की चाय के साथ खाएं, जैसे आपको पसंद हो। और मैं ये 1/2 चम्मच बैटर डाल रही हूँ इसमें, मैं पूरा फिल नहीं करूँगी, और जो मोज़रेला चीज़ आता है ना पिज़्ज़ा में हम डालते हैं वो वाला मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और इसको डालने के बाद मैं इसको 1/2 चम्मच और ऊपर से इसका बैटर डाल दूँगी, ताकि हमारा जो ये चीज़ है ये अंदर कवर हो जाए इसके, ताकि बाहर मेल ना हो, चिपके ना। और ये बहुत ही यम्मी टेस्टी लगता है खाने में, आप इसे टमाटर सॉस के साथ खाएं, लहसुन की चटनी के साथ खाएं, या हरी चटनी के साथ खाएं।
या कोकोनट की चटनी के साथ खाएं, जैसे भी आपको उनका टेस्ट पसंद हो आप उस तरह से खाएं। और इस तरह से एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और मैंने ये सर्व किया है लाल चटनी और हरी चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। बाय, फिर मिलेंगे।